जिले में हुई बेमौसमी बरसात ने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है। बरसात में पानी की निकासी के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि चंद घंटों की बरसात से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शहर के मुख्य मार्ग पाक गली एवं पोंड रेस्ट हाउस के सामने खड़ा पानी और बरसात में रेंगते हुए वाहन शहर की दुर्दशा अपनी जुबानी कह रहे हैं। शहर में करोड़ों रुपए की लागत से जल निकासी के लिए बनाए जा रहे गंदे नाले में भी पानी ओवरफ्लो हो गया है। अगर कुछ देर ऐसे ही बरसात जारी रही तो शहर के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। शहर के बाजारों में पानी नहरों की तरह बह रहा है। गांव से खरीदारी करने आए युवक ने भी सीधा सीधा प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पानी की निकासी लिए खर्च किया गया पैसा लगा तो लगा कहां? भाई अपना नाम बताओ। दिनेश भाई बताइए, क्या पानी का निकास सही ना होने की वजह से, आगे रुकावट होने की वजह से पानी भरता है? अगर ये सफाइयाँ सही हो जाएंगी तो शायद पानी ना भरे। तो शहर में कब से बरसात हो रही है? आज तो सुबह से ही है, 10 बजे से। अगर हम पार्क गली की बात करें तो पार्क गली की स्थिति क्या है? दुकानों में भी पानी घुस गया, पानी फुल है जी। अंदर तक देखो ना आप, आगे सब कंप्लीट भरा पड़ा है, आधी दुकानें सब फुल है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं? हालात बिल्कुल है जी। सारे नालों की सफाई की जाए, आगे रुकावट निकाली जाए। अभी आप बरसात में स्कूटी फंस गई है, बरसात के पानी में स्कूटी फंस गया, उसको लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? जिला प्रशासन ने जो बरसात से पहले साफ सफाई करवानी थी वो साफ सफाई इन करवाई है नहीं और शहर में चल रहे हालात को लेकर बरसात को लेकर। सुनील कहाँ से आए हो आप? मैं थाना गांव से आया हूँ। आज शहर में जो पानी बरस रहा है इसको लेकर क्या कहेंगे? साहब सुबह से पानी की स्थिति बहुत खराब हो रही है, यानी कि जल भराव है शहर में जगह जगह पे, कोई काम धाम नहीं है, तो नहर की तरह पानी बह रहा है, प्रशासन कुछ नहीं।